करवा दो बाबी सा ते देवर यारो ब्यों बहुत अच्छे। कमेंट में बताना कैसा सिंग किया है मैंने सॉन्ग। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में हम पंकज शर्मा, भूमिका गौड़ और टीना सिंह के बारे में बात करेंगे कि क्यों टीना सिंह लाइव वीडियो में हिंदुस्तानी और जात पात की बात करने लगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए घंटा जरूर दबाइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कोई समय गवाए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल पंकज शर्मा का एक नया सॉन्ग आने वाला है, देवरिया रो ब्याव, और ये बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग आने वाला है और ये कल शर्मा फिल्म स्टूडियो पर आएगा। तो दोस्तों आप इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और ये सॉन्ग शादियों के सीजन में चलने वाला सॉन्ग है और इस सॉन्ग के सिंगर पंकज शर्मा खुद हैं और इस सॉन्ग के बोल लाखन चौधरी ने लिखे हैं जो कि राजस्थान के मशहूर सॉन्ग राइटर हैं। और इससे पहले भी लखन चौधरी ने पंकज शर्मा का एक सॉन्ग लिखा था और पंकज शर्मा ने वो सॉन्ग गाया था सोना बाबू ले दो, वो एक सुपरहिट सॉन्ग था। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सॉन्ग भी एक सुपरहिट सॉन्ग हो और ये सॉन्ग कल सुबह पंकज शर्मा के शर्मा फिल्म स्टूडियो पर आ जाएगा और आप इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग होने वाला है। और अगर आप पंकज शर्मा के फ़ैन हैं तो इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइएगा जिससे कि पंकज शर्मा को उनकी मेहनत का फल नज़र आए। साथ ही दोस्तों आज टीना सिंह लाइव आई और उन्होंने अपने आने वाले न्यू सॉन्ग की अपडेट इंस्टाग्राम के माध्यम से दी और उन्होंने बताया कि कल पंकज शर्मा के साथ उनका एक सॉन्ग आने वाला है शर्मा फिल्म स्टूडियो पर। सॉन्ग का नाम होने वाला है देवरिया रो ब्याव, जिसका इंतज़ार आप सब बहुत बेसब्री से कर रहे थे। और साथ ही टीना सिंह का एक सॉन्ग 15 तारीख को आएगा, 15 नवंबर को। तो जब ये अपडेट दे रही थी तभी एक लड़का उनको गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, तो इसका जवाब देते हुए टीना सिंह ने बताया कि अगर आप गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं तो आप इससे आप अपने परिवार का, अपने वंश का परिचय दे रहे हैं कि आपके घर में कैसी बातचीत होती है, आप घर में कैसे अपनी बहनों के साथ बात करते हैं। और वहीं उसी लाइव में एक लड़का बार बार टीना से उनकी जात, उनकी कास्ट और उनके धर्म के बारे में लगातार पूछ रहा था। तो उसकी बात का जवाब देते हुए टीना ने बताया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरे धर्म से आपको क्या लेना देना, तो आप जैसे लोगों की वजह से राजस्थान आगे नहीं बढ़ पा रहा, आप अपनी ये घटिया सोच बदलो। और वहीं टीना ने एक उदाहरण दिया था कि अगर आपको कभी ब्लड की, अभी कभी खून की ज़रूरत पड़ती है तो आप ब्लड बैंक में जाकर सीधा खून के बारे में पूछते हैं, आप ये नहीं पूछते हैं कि इसका धर्म कौन सा है, इसकी जाति कौन सी है, ये कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है। तो दोस्तों आप जात पात और भेदभाव मत कीजिए। और आज टीना सिंह ने जो बातें अपने लाइव सेशन में कही थी मैं उन सारी बातों से सहमत हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी इन सभी बातों से सहमत हैं, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, वो भी किसी की माँ बहन बेटी हो सकती है, आपके घर में भी माँ बहन बेटी है, तो आप किसी को गाली मत दीजिए। आप गाली देकर अपने घर, अपने परिवार का परिचय देते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों मैं तो टीना की बातों से सहमत हूँ, अगर आप भी सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक करके हमें बताइएगा कि आप कितने सहमत हैं और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो किसी की माँ बहन, किसी की बेटी को गाली देते हैं बिना वजह, बिना कोई कारण के। वहीं दोस्तों आज भूमिका गौर का भी एक न्यू सॉन्ग आया है बना बनी 61-62, और वो सॉन्ग भूमिका गौर ने खुद गाया है और इस सॉन्ग के राइटर लखन चौधरी हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, हमने तो सुन लिया, अगर आपने भी सुन लिया तो हमें कमेंट करके बताइएगा आपको सॉन्ग कैसा लगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉन्ग बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि भूमिका गौर का ये फर्स्ट सॉन्ग है जो उन्होंने खुद गाया है। पहले इन्होंने कवर सॉन्ग किए थे बट ये सॉन्ग के सिंगर भूमिका गौर खुद है। तो आप वो वीडियो, वो सॉन्ग जाके ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको भूमिका का नया सॉन्ग कैसा लगा और इस सॉन्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने दो बार लखन चौधरी का जिक्र किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखन चौधरी राजस्थान के बहुत मशहूर सॉन्ग राइटर हैं और इनका हर सॉन्ग लिखा हुआ जो सिंगर गाता है वो सॉन्ग सुपरहिट सॉन्ग होता है। और भूमिका गौर और पंकज शर्मा के लिए लखन चौधरी ने अपनी लिरिक्स, अपने सॉन्ग के बोल दिए हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि ये सॉन्ग दोनों सुपरहिट सॉन्ग होने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि लखन चौधरी का नाम सुनकर आप चौंके तो नहीं होंगे, अगर चौंके होंगे तो आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल जय राजस्थान, जय राजस्थान।